Hello students, in the last video, we have completed Fourier series. Now, in this video, we will start the most important topic of signal and system that is called Fourier transform. Okay, so aaj hum log study karenge Fourier transform. So basically, Fourier transform aapka hota kya hai? Kya need hai Fourier transform ki? Agar aap kisi bhi time domain signal ko, time domain signal like you can say XT, अगर आप XT को कन्वर्ट करना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में ओके तो आपको चाहिए फोरियर ट्रांसफॉर्म. बेसिकली हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्यों कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हम किसी भी सिग्नल का स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाना चाहते हैं, तो हमें उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना होगा पहले. तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हम क्यों बनाना चाहते हैं, ताकि हम उस सिग्नल की बैंडविड्थ कैलकुलेट कर सकें. ओके तो ये हमारा एम होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म का, जहां हम किसी सिग्नल को जो कि XT है, हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं और कन्वर्ट कर लेते हैं XF और यू कैन से X ओमेगा में. ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ XT. तो जो फॉर्मूला है फोरियर ट्रांसफॉर्म का, XF इज इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट XT ई की पावर माइनस J2πFT dt. ये हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन का. आप इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ ऑफ XT, दैट मींस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ XT. और अगर आप चाहें तो सेम फॉर्मूला आप ओमेगा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट XT ई की पावर माइनस J ओमेगा t dt. ओके, तो आप चाहें तो एफ के फॉर्म में स्टडी कर लीजिए, चाहें तो आप ओमेगा के फॉर्म में. हम एफ के फॉर्म में स्टडी करेंगे, देन हम ओमेगा टू एफ कन्वर्जन सीख लेंगे या एफ टू ओमेगा कन्वर्जन सीख लेंगे, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन ओमेगा के फॉर्म में भी प्रैक्टिस करेंगे. नाउ अगर आपको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है XT इज इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट XF ई की पावर J 2πFT dF. और अगर आप ओमेगा के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो 1/2π माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट एक्स ओमेगा ई की पावर J ओमेगा t d ओमेगा. तो ध्यान रखिएगा, जब भी d ओमेगा आएगा, इंटीग्रेशन के बाहर आपका आएगा 1/2π. तो बेसिकली हमने यहां दो फॉर्मूले देखे हैं. एक फॉर्मूला हमने देखा है XF का फोरियर ट्रांसफॉर्म का, जिसे मैं यहां पर दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, जिसके थ्रू हम XT किसी भी सिग्नल XT का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं. दूसरा हमने फॉर्मूला देखा है XT का, मतलब अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है तो उस सिग्नल को आप कैलकुलेट कर सकते हैं जिसका ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है. दैट मींस अगर आपको XF पता है तो आप XT कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो ये दोनों ही जो फॉर्मूले हैं आपके, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं प्रूव करने चाहूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है, तो आप देखिए XF, अगर मैं उस फॉर्मूले को ओपन कर दूं, तो हमको पता है XT और e की पावर जो माइनस जे थीटा होता है, वो होता है कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा. तो आप इसे लिख दीजिए cos 2πFT माइनस, यहां पर आप dt भी शो कर दीजिए पहले, देन माइनस माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, बाहर क्या हो जाएगा, J XT sin 2πFT dt. तो ये हमने ओपन कर दिया उस फॉर्मूले को. अब अगर मैं यहां पर x ऑफ कॉन्जुगेट f कैलकुलेट करने के लिए जाऊं, तो ये हमारा जो फॉर्मूला है, आप यहां पर समझिएगा, अगर आप कॉन्जुगेट f कैलकुलेट करते हैं तो आपका फॉर्मूला माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट XT cos 2πFT dt प्लस J माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट XT sin 2πFT dt हमारा फॉर्मूला बन जाएगा. माइनस J की जगह आपका क्या हो जाएगा, प्लस J हो जाएगा. अब अगर मैं यहां पर X ऑफ कॉन्जुगेट माइनस F कैलकुलेट करने के लिए जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, आप देखिए, हमें f की जगह माइनस f पुट करना है. हमें पता है cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा,
एंड साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन आउटसाइड आ जाएगा, तो माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट एक्स टी कॉस 2 पाई एफ टी डी टी माइनस जे माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट। अब आप देखिए यहां पर, जब यहां पर आप ने साइन थीटा की जगह साइन माइनस थीटा किया तो आपका माइनस साइन आउटसाइड हो गया, इसी कारण मैंने क्या लिख दिया माइनस जे, ठीक है ना, हमारा होना चाहिए था प्लस जे, लेकिन साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो अंदर आपका क्या बच जाएगा एक्स टी साइन 2 पाई एफ टी डी टी। तो आप क्लियरली यहां पर देख सकते हैं कि जो आपका xf है, ये रहा आपका xf, ये बिल्कुल आया है x ऑफ कॉन्जुगेट माइनस एफ के, तो यहां पर आप लिख सकते हैं xf इज इक्वल टू x ऑफ कॉन्जुगेट माइनस एफ। बट आपको एक पॉइंट समझना यहां बहुत जरूरी है कि कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिनके लिए इक्वल होंगे और कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिनके लिए ये इक्वल नहीं होंगे। तो देखिए आप, जब आपने यहां पर xf का कॉन्जुगेट लिया तो आपने यहां माइनस जे की जगह प्लस जे कर दिया। अब मान लीजिए कि अगर आपका xt जो है वो आपका कोई कॉम्प्लेक्स सिग्नल होता तो ऑब्वियस सी बात है उसमें जे का कोई टर्म होता, तो यहां पर भी जब आप कॉन्जुगेट लेते तो यहां xt में भी जे की जगह माइनस जे होता, यहां पर भी xt में भी जे की जगह माइनस जे होता, लेकिन जो ऊपर वाला xt है वो तो वही का वही रहता। तो पॉइंट क्लियर हो पा रहा है, तो उसके कारण क्या होता कि सिर्फ ये वाला माइनस जे प्लस जे नहीं होता, यहां पर भी xt में जे की जगह माइनस जे हो जाता, जिसके कारण से जब आप x ऑफ कॉन्जुगेट माइनस एफ करते तो x ऑफ कॉन्जुगेट माइनस एफ xf के इक्वल नहीं हो पाता। जैसे एक एग्जांपल देखिए आप, मान लीजिए मैं xt को ले रहा हूं 2 प्लस जे, तो यहां पर 2 प्लस जे होगा, यहां पर भी 2 प्लस जे होगा, यहां पर क्या हो जाएगा 2 माइनस जे और यहां भी क्या हो जाएगा 2 माइनस जे। अब आप देखिए, जब आप माइनस एफ करेंगे तो ये तो 2 माइनस जे का 2 माइनस जे ही रहेगा ना, आपने एफ की जगह माइनस एफ किया, तो कभी भी आपका एक्स एफ और एक्स ऑफ कॉन्जुगेट माइनस एफ सेम नहीं हो पाएगा। तो वो सेम कब होगा, जब आपका एक्स टी रियल होगा, तो वेन एक्स टी इज रियल, उसके अलावा कोई चांस नहीं है कि एक्स एफ और एक्स ऑफ कॉन्जुगेट माइनस एफ आपके सेम होंगे। तो आप लिख सकते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म, या आप कह सकते हैं जो एक्स एफ है आपका इज इवन कॉन्जुगेट, ओके, वेन एक्स टी इज रियल। तो आपका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो इवन कॉन्जुगेट होगा, क्योंकि हमने स्टडी कर रखा है जब आप एक्स एफ को एक्स ऑफ कॉन्जुगेट माइनस एफ के इक्वल करते हैं तो एक्स एफ या कोई सिग्नल जो है वो कहलाता है इवन कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट सिमेट्रिक सिग्नल। तो आपका एक्स एफ होगा कॉन्जुगेट सिमेट्रिक सिग्नल, बट उसके लिए एक्स टी को क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो ये पॉइंट, ये एनालिसिस हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नाउ यहां पर हम लोग अब एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, जहां पर हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि एक सिंपल से xt के लिए हम लोग वाया इंटीग्रेशन फॉर्मूला, वाया इंटीग्रेशन फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट कर सके फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये आपको कोई xt गिवन है, हमें पता है xf का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट xt e की पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी डी टी। तो अब अगर मैं यहां पर xt की वैल्यू पुट कर दूं इंटीग्रेशन में तो क्या हो जाएगा, आप देखिए ये ut से मल्टीप्लाइड है तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 0, 0 से इन्फिनिटी xt, xt की जगह आपको अब क्या पुट करना है, यहां पर आप पुट कर दीजिए xt की जगह हमें पुट करना है e की पावर माइनस ए टी, तो हम पुट कर देते हैं e की पावर माइनस ए टी, e की पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी और ये हो जाएगा डी टी। तो ये हम लोगों ने लिख लिया यहां पर। तो अब आप देखिए, अगर मैं इस इंटीग्रेशन को अब थोड़ा अरेंज कर लूं तो 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस कॉमन a प्लस जे 2 पाई एफ और t भी कॉमन आ गया। अब आप देखिए जो आपका xf है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आप परफॉर्म कर दीजिए तो देखिए यहां पर e की पावर माइनस a माइनस जे 2 पाई एफ इंटू टी एंड डी टी। तो ये आपका जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा e की पावर माइनस a प्लस j 2 पाई f इनटू t डिवाइडेड बाय माइनस a प्लस j 2 पाई f और लिमिट क्या है 0 से इनफिनिटी. तो हमारा जो xf है वो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस इनफिनिटी क्या होता है 0. अपर लिमिट आपने पुट कर दी, लोअर लिमिट के सामने पहले क्या लगता है माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और e की पावर 0 होती है 1, तो 1 अपॉन a प्लस j 2 पाई f. तो ये हमारा निकल आया यहां पर xf. तो हम लोगों ने यहां पर xf अचीव कर लिया. अब हम लोगों ने अभी तक इस फोरियर ट्रांसफॉर्म के एनालिसिस में एक कंक्लूजन देखा है कि जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो इवन सिमेट्रिक होगा, इवन कॉन्जुगेट होगा जब xt रियल होगा. अब जो हम लोगों ने ये पहला एग्जांपल देखा है ना उससे हम आगे के कंक्लूजन अब निकालते हैं. देखिए आप ध्यान से, ये जो xf निकला है अगर मैं इसका मॉड ऑफ xf ले लूं तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर. तो आप देखिए यहां पर अगर आप किसी फोरियर ट्रांसफॉर्म का मॉड लेते हैं, ये भले ही मैंने इस एग्जांपल के लिए बनाया है लेकिन ये हर जगह वैलिड होगा ये कंक्लूजन जो मैं आपको अभी देने जा रहा हूं. तो जो आपका मॉड है या जो एम्पलीट्यूड है फोरियर ट्रांसफॉर्म का, उसमें अगर आप f की जगह माइनस f पुट करें तो आप देखिए सेम रहेगा क्योंकि यहां पर f का स्क्वायर है. तो आप कंक्लूजन क्या दे सकते हैं, आपको पता है जब आप वेरिएबल की जगह माइनस वेरिएबल पुट करें और आंसर सेम आए तो उसे आप कहते हैं इवन सिग्नल. तो आप क्या कहेंगे कि मॉड और एम्पलीट्यूड ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म सेटिस्फाइज द इवन सिमेट्री. ठीक है यहां पर, तो ये हम लोगों ने यहां पर सेकेंड कंक्लूजन प्रूव कर लिया कि एम्पलीट्यूड ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म सेटिस्फाइज द इवन सिमेट्री. नाउ अगर मैं इसी इक्वेशन का, इसी xf का अगर एंगल निकाल लूं तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ xf देखिए आप यहां पर आपका 1 अपॉन है तो पहले तो आप माइनस साइन का यूज करेंगे क्योंकि 1 अपॉन है, डिनोमिनेटर में जब भी एंगल होगा माइनस लगाएंगे. देन क्या होगा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट मींस 2 पाई f अपॉन a. अब अगर इस एंगल में आप f की जगह माइनस f पुट करें तो आप देखेंगे कि आपका आंसर आएगा माइनस tan इनवर्स माइनस 2 पाई f अपॉन a. तो tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा. तो जो माइनस साइन अंदर है वो बाहर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस tan इनवर्स 2 पाई f अपॉन a. तो अगर अब आप यहां पर देखें तो जो एंगल ऑफ xf है और एंगल ऑफ x माइनस f है, दोनों में एक माइनस का फर्क है बाकी दोनों सेम है. तो ये कौन सी सिमेट्री हो जाएगी, ऑड सिमेट्री. तो क्या लिखेंगे, फेस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म सेटिस्फाई द ऑड सिमेट्री. ये हमें क्लियर होना चाहिए. और एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो भी मैं आपको कंक्लूजन दे रहा हूं, भले ही मैं इस क्वेश्चन के लिए दे रहा हूं जहां हमने xf ये निकाला है, लेकिन ये हर एक क्वेश्चन के लिए वैलिड होंगे, ये सारे के सारे आपके यूनिवर्सल कंक्लूजन है, ध्यान रखना है हम लोग को. अब आप देखिए सेम इसी क्वेश्चन का यूज करके मैं एक और आपको कंक्लूजन देने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा. xf क्या है आपका, 1 अपॉन a प्लस j 2 पाई f है. और अगर मैं यहां पर x ऑफ कॉन्जुगेट f ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a माइनस j 2 पाई f. और अगर मैं x ऑफ कॉन्जुगेट माइनस f ले लूं तो ये वापस से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a प्लस j 2 पाई f. तो आप देख सकते हैं x ऑफ कॉन्जुगेट माइनस f आपका इक्वल है xf के. जो हम ऑलरेडी कंक्लूजन 1 में स्टडी कर चुके हैं कि जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो इवन कॉन्जुगेट है जब xt हो आपका रियल. तो देख लीजिए यहां पर xt आपका रियल था, इसी कारण आपका जो xf है वो x ऑफ कॉन्जुगेट माइनस f के क्या आया, आपका इक्वल आया. तो ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन ही था, हमने दोबारा स्टडी कर लिया. नाउ नेक्स्ट देखिए आप, जो आपका ये xf है 1 अपॉन a प्लस j 2 पाई f, यहां पर x ऑफ कॉन्जुगेट m हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं 1 अपॉन a माइनस j 2 पाई f. अगर मैं यहां पर xf
इनटू एक्स ऑफ कॉन्जुगेट एफ करूं तो ये कितना होगा हम लोग देखते हैं. देखिए एक्स एफ और एक्स ऑफ कॉन्जुगेट एफ का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं यहां पर तो ये कितना होगा 1 अपॉन ए प्लस बी 1 अपॉन ए माइनस बी. तो डिनोमिनेटर में क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. लेकिन चूंकि बी स्क्वायर में जे स्क्वायर क्रिएट होगा इसलिए माइनस वन निकल आएगा बाहर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा. तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर जो कि अगर आप ध्यान से देखें तो मॉड ऑफ एक्स एफ के स्क्वायर के इक्वल होगा ये. तो यहां से हम प्रूफ कर सकते हैं कि एक्स एफ इंटू एक्स ऑफ कॉन्जुगेट एफ किसके इक्वल होने वाला है आपका मॉड ऑफ एक्स एफ के स्क्वायर के इक्वल. एक और पॉइंट देखिए यहां पर आप अगर मैं एक्स एफ लिखूं फिर से 1 अपॉन ए प्लस जे टू पाई एफ और यहां पर अगर मैं एक्स माइनस एफ निकाल लूं तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए माइनस जे टू पाई एफ. अगर मैं फिर से एक्स एफ इंटू एक्स ऑफ माइनस एफ करूं तो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन ए प्लस जे बी 1 अपॉन ए माइनस जे बी. तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा फिर से मॉड ऑफ एक्स एफ का स्क्वायर. तो ये बहुत इजी कंक्लूजन है इसलिए मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू कंक्लूजन बताए हैं ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो. अदरवाइज अगर मैं आपको डायरेक्ट लिखा दूंगा तो आपको रटना पड़ेगा सारे आंसर्स. लेकिन यहां पर आप अपने आप से एग्जांपल एक ले लीजिए उसके थ्रू देख लीजिए कौन कौन से कंक्लूजन सेटिस्फाई हो रहे हैं कौन कौन से नहीं हो रहे हैं. नाउ नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कंक्लूजन हम और निकाल सकते हैं. आपका जो एक्स एफ है वो क्या है 1 अपॉन ए प्लस जे टू पाई एफ. यहां पर अब अगर मैं एक्स एफ को रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखूं मतलब यहां पर मैं अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना चाहूं तो हमें पता है रैशनलाइज करना पड़ेगा. और रैशनलाइज करने का क्या तरीका होता है कि ऊपर नीचे आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो a माइनस जे टू पाई एफ डिवाइडेड बाय a प्लस जे टू पाई एफ इंटू a माइनस जे टू पाई एफ. तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा एक्स एफ a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस जे 2 पाई एफ अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर. तो यहां पर अब अगर आप देखें आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म के रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दिया है तो यहां पर आप देखिए जो आपका रियल पार्ट है ठीक है ना वहां पर अगर आप f की जगह माइनस f पुट करते हैं तो क्या रहेगा सेम रहेगा. तो रियल पार्ट बेसिकली आपका इवन सिमेट्री शो करता है. इमेजिनरी पार्ट को देखिए अगर आप f की जगह माइनस f पुट करें तो नीचे तो सेम रहने वाला है लेकिन ऊपर एक और f है तो f की जगह माइनस f पुट करने से माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा. मतलब क्या है ये ऑड सिग्नल है. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसका जो रियल पार्ट है वो सेटिस्फाई करता है आपका इवन सिमेट्री और फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो क्या सेटिस्फाई करेगा हमारा ऑड सिमेट्री. तो ये जो इवन सिमेट्री ऑड सिमेट्री एक साथ सेटिस्फाई होती है किसी सिग्नल में तो क्या ऐसी स्टडी हमने कहीं की हुई है. यस जब हम लोगों ने इवन एंड ऑड सिग्नल का कंसेप्ट पढ़ा था कॉम्प्लेक्स सिग्नल के लिए तब हमने स्टडी किया था कि अगर कोई सिग्नल इवन कॉन्जुगेट सिग्नल है तो उसका रियल पार्ट हमेशा इवन सिग्नल होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट हमेशा ऑड सिग्नल होगा. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो हमने प्रूफ किया हुआ है इवन कॉन्जुगेट सिग्नल. तो इसी कारण फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो रियल पार्ट है वो इवन सिग्नल आया और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या आया ऑड सिग्नल आया. क्लियर है अच्छे से. नाउ एक और स्टेटमेंट आप ध्यान से देखिए जो एक और कंक्लूजन हम यहां पर दे सकते हैं. आप देखिए अगर आपका जो सिग्नल था XT e की पावर माइनस एटी यूटी वो क्या है आपका वो क्या आपका इवन सिग्नल है क्या ऑड सिग्नल है कि नाइदर इवन नॉर ऑड है. रियल तो है ये आपको दिख रहा है जे का कोई टर्म नहीं है.
तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका ut से मल्टीप्लाइड है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड होने वाला है, ठीक है ना। तो अगर ये इवन होता तो जितना पॉजिटिव साइड होता उतना नेगेटिव साइड होता, सिमेट्रिकल होता वाई एक्सिस के। तो चूंकि सिर्फ पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है ही नहीं, तो इवन होने का कोई चांस नहीं। सेम अगर ये ऑड होता तो अगर ये पॉजिटिव साइड ऊपर की तरफ बना है तो नेगेटिव साइड नीचे की तरफ बना होता, मतलब ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों जगह प्रेजेंट होता, ठीक है ना। तो ना तो ये इवन हो सकता है ना ही ये ऑड हो सकता है। आप ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, मैंने आपको एक्सपोनेंशियल सिग्नल ड्रॉ करना सिखाया हुआ है। तो आपको डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल ड्रॉ करना है सिर्फ पॉजिटिव साइड, क्योंकि यूटी से मल्टीप्लाइड है। तो जो आपका एक्सटी है वो है आपका रियल एंड नाइदर इवन नॉर ऑड। तो आप क्या लिख सकते हैं स्टेटमेंट, व्हेन एक्सटी इज रियल एंड नाइदर इवन नॉर ऑड देन एक्सएफ फोरियर ट्रांसफॉर्म इज कॉम्प्लेक्स। तो आपको ध्यान रखना होगा जब भी आपका एक्सटी रियल और नाइदर इवन नॉर ऑड आएगा देन फोरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्स सिग्नल ही होगा। क्लियर है अच्छे से। नाउ ये अंडरस्टैंडिंग के बाद, इतने सारे कंक्लूजन कर लेने के बाद, मैं अब फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव कर रहा हूं फोरियर ट्रांसफॉर्म की। हमें ये बात समझनी होगी स्टार्ट से ही कि फोरियर ट्रांसफॉर्म में आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है आपको। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है फोरियर ट्रांसफॉर्म की वो है आपकी टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। तो अगर आपका एक्सटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्सएफ है तो एक्स ऑफ माइनस टी का क्या होगा, ये होता है एक्स ऑफ माइनस एफ। तो ये होती है आपकी टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। हम चाहे तो इस प्रॉपर्टी को बहुत आसानी से प्रूफ भी कर सकते हैं। आप देखिए, हमको पता है एक्स एफ क्या है आपका, माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट एक्स टी ई की पावर माइनस जे टू पाई एफ टी डी टी। अब अगर मैं यहां पर एक्स ऑफ माइनस टी के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालू एक्स वन एफ, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट एक्स माइनस टी ई की पावर माइनस जे टू पाई एफ टी डी टी। हमें बस ध्यान रखना है कि हमें x माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब अगर मैं यहां पर माइनस टी की जगह z मान लूं, बेसिकली हमें रिलेट करना है ना xf और x1f को। तो यहां पर अगर अंदर की चीजें आप सेम कर पाएं जितना उतना बेटर है। तो अगर मैं माइनस टी को z मानता हूं तो आपका dt किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस dz के। ये पॉइंट क्लियर होगा हम लोगों को। तो आप देखिए यहां पर क्या हो जाएगा x1f आपका, x1f हमारा हो जाएगा x ऑफ माइनस टी। तो माइनस टी को आपने z माना है तो x ऑफ z e की पावर। अब आप देखिए यहां पर आपने माइनस टी को z माना है तो माइनस टी की जगह z हो जाएगा, तो यहां प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, e की पावर प्लस j 2 पाई f z। फिर dt की जगह माइनस dz है तो dz लिख दीजिए, माइनस साइन को बाहर कर दीजिए। अब आप देखिए लिमिट्स के बारे में, माइनस t की वैल्यू z है तो z की वैल्यू क्या होगी, जब t की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी, जब t की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है तब z की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी। मतलब लोअर लिमिट हो जाएगी प्लस इन्फिनिटी, अपर लिमिट हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी। तो यहां पर x1f क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दूं, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दूं, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन आएगा तो माइनस माइनस प्लस। तो ये हो जाएगा माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट एक्स जेड ई की पावर। अब आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में ना ई की पावर माइनस होता है, तो आप क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस जे टू पाई माइनस एफ इंटू जेड। क्लियर है। अब आपको एक और बात बहुत अच्छे से पता है कि इंटीग्रेशन में वेरिएबल कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर वेरिएबल z है, यहां पर xf की डेफिनेशन देखिए वेरिएबल t है, तो t हो z हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो xt है xz है, सही है हमारा बिल्कुल। यहां पर देखिए dz है, यहां dt है, यह भी बिल्कुल सही है।
यहां पर देखिए e की पावर, यहां पर भी e की पावर है, माइनस j 2 पाई z माइनस j 2 पाई t, सब कुछ सेम है, बट यहां पर f है और यहां पर माइनस f है। इसका मतलब क्या है कि ये जो x1 f है वो इक्वल होगा x ऑफ माइनस f के। दैट मींस हमने हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी कि अगर xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म xf है तो x ऑफ माइनस t का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा आपका x ऑफ माइनस f। तो इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करते ही अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव कर जाते हैं, जो कि है मान लीजिए आपको xt दिया है e की पावर at u ऑफ माइनस t। हम लोग ऑलरेडी e की पावर माइनस at ut का निकाल चुके हैं, तो आप अगर लास्ट एग्जांपल से इसे कंपेयर करेंगे तो हमने जस्ट t की जगह माइनस t पुट किया है, तो क्या हो जाएगा xf आपका f की जगह माइनस f, तो 1 अपॉन a माइनस j 2 पाई f, क्योंकि लास्ट में आंसर हमारा क्या आया था 1 अपॉन a प्लस j 2 पाई f, यहां पर हो गया हमारा आंसर 1 अपॉन a माइनस j 2 पाई f। क्लियर है अच्छे से? नाउ ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता थी, तो अभी तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आगे आप जाके और समझेंगे कि प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है आपके लिए इन केस ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल अब आप देखिए, नेक्स्ट xt आपको दिया हुआ है e की पावर माइनस at ut प्लस e की पावर at u ऑफ माइनस t। अगर आप इस एग्जांपल को ध्यान से देखें तो ये आपका फर्स्ट टू एग्जांपल्स का सम्मेशन है, तो वैसे तो इस प्रॉपर्टी को हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं, लेकिन चूंकि लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम आप ऑलरेडी पहले स्टडी कर चुके हो तो मैं उस पे ज्यादा अब जा नहीं रहा हूं उस प्रॉपर्टी पे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर दो सिग्नल टाइम डोमेन में ऐड हो रहे हैं तो उनके फूरियर ट्रांसफॉर्म भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। वैसे भी हमने प्रूफ कर रखा है कि इंटीग्रेटर जो है वो लीनियर है, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी बेसिकली इंटीग्रेटर ही यूज होता है, तो उस प्रॉपर्टी को लिखने की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्टली यहां पर फूरियर ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस j 2 पाई f प्लस 1 अपॉन a माइनस j 2 पाई f। तो हम बड़े इजीली फूरियर ट्रांसफॉर्म यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर टाइम डोमेन में दो सिग्नल आपके ऐड हो रहे हैं तो फूरियर डोमेन में भी वो हमेशा क्या होंगे, आपके ऐड हो जाएंगे। तो यहां पर जो आपका सिग्नल है xt, मैं उस पर थोड़ा सा और एनालिसिस करूंगा, e की पावर माइनस at ut प्लस e की पावर at u ऑफ माइनस t। अगर आप इस सिग्नल xt को ध्यान से देखें ना, तो यहां पर दो टर्म है, एक टर्म जो है वो ut से मल्टीप्लाइड है, मतलब ये शो हो रहा है कि वो पॉजिटिव साइड है, एक टर्म है वो u ऑफ माइनस t से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये शो हो रहा है कि वो नेगेटिव साइड है। इसका मतलब इस सिग्नल xt में पॉजिटिव पार्ट भी है नेगेटिव पार्ट भी है, और बकायदा दोनों को अलग अलग शो किया जा रहा है कि कौन सा पॉजिटिव पार्ट है कौन सा नेगेटिव पार्ट है, क्योंकि हमें पता है ut का काम यही होता है। तो क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, e की पावर माइनस a मॉड ऑफ t। अगर आप ध्यान से इस बात को समझें तो जो मॉड ऑफ t है, मतलब मॉड लेने से पहले जो t है आपका वो पॉजिटिव भी हो सकता था नेगेटिव भी हो सकता था, दोनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे आपके। तो अगर मैं इसे ओपन करूं, अल्टरनेटिव कंडीशंस है ना हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव अल्टरनेट है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें प्लस साइन लिखना होता है, मतलब हमें दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन यहां लिखने होंगे। तो अगर आपका टी नेगेटिव होता तो क्या बनता, ई की पावर एटी, क्योंकि टी नेगेटिव होता एक और माइनस है, तो ई की पावर एटी, और टी नेगेटिव है इस बात को प्रूफ करने के लिए या शो करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यू ऑफ माइनस टी से। तो देखिए e की पावर at u ऑफ माइनस t, या मतलब प्लस अल्टरनेट है, तो प्लस और गेट, आप डिजिटल में पढ़ते हैं ना और में आप क्या लगाते हैं, प्लस, तो और प्लस क्या हो जाएगा, अगर आपका t पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस at, और इस पॉजिटिव को प्रूफ करने के लिए या शो करने के लिए
किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यूटी से। ये कंपलसरी है, कंपलसरी मतलब एंड गेट, डिजिटल में एंड गेट होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो यहां पर आपने मल्टीप्लाई कर दिया ई की पावर माइनस एटी यूटी या ई की पावर एटी यू ऑफ माइनस टी। तो ध्यान रखिए, हम इस कॉम्बिनेशन को ई की पावर माइनस ए मॉड ऑफ टी की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ यहां पर अब आप देखिए, ई की पावर माइनस ए मॉड ऑफ टी का जो आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो कितना आ गया। अगर मैं इसे सॉल्व कर लूं अब तो एलसीएम लेना होगा हमें, तो नीचे मल्टीप्लाई होके वही टर्म आ जाएगा जो हम पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपका माइनस जे टू पाई एफ और प्लस जे टू पाई एफ कैंसल हो जाएगा और ए ऐड होके टू ए बच जाएगा। तो कितना बचेगा आपका, टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया फोरियर ट्रांसफॉर्म ई की पावर माइनस ए मॉड ऑफ टी का। नाउ यहां पर एक और कंक्लूजन हम दे सकते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के रिगार्डिंग। देखिए, अगर यहां पर आप एक्स टी को देखें तो एक्स टी आपका रियल है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप लिखिए व्हेन एक्स टी इज रियल एंड, अगर आप देखिए टी की जगह अगर आप माइनस टी पुट करें तो सेम इक्वेशन आ जाएगा। तो एक्स टी इज रियल एंड इवन, जब भी हम टी की जगह माइनस टी पुट करें और सेम आ जाए, मतलब क्या है आपका इवन है। यहां पर भी आप चेक कर सकते थे जो ओपन फॉर्म था इसका, अगर आप टी की जगह माइनस टी पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी, मतलब ये वाला टर्म आ जाएगा। और यहां देखिए ई की पावर माइनस ए टी यू टी, मतलब ये टर्म आ जाएगा। तो सेम ही आने वाला है आपका। तो व्हेन एक्स टी इज रियल एंड इवन देन एक्सएफ, देखिए एक्सएफ यहां पर देखिए एक्सएफ में जे का कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है। साथ ही साथ जब आप एक्सएफ में एफ की जगह माइनस एफ पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है आपका, सेम आता है। इसका मीनिंग क्या है कि जब भी हमारा एक्स टी रियल एंड इवन होगा तो एक्सएफ भी क्या होगा, रियल एंड इवन। ये हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक और कंक्लूजन हमने यहां पर देख लिया है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, अब आप देखिए, अगर मैं एक सिग्नल एक्स टी लूं जहां पर मैं अगर इस तरीके से परफॉर्म करूं ई की पावर माइनस ए टी यू टी माइनस ई की पावर ए टी यू ऑफ माइनस। नाउ इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा आपको आई थिंक क्लियर होगा, ये आपका फर्स्ट दो एग्जांपल का सब्ट्रैक्शन है। लास्ट क्वेश्चन में हमने फर्स्ट दो एग्जांपल को ऐड किया था, यहां पर हम लोग फर्स्ट दो एग्जांपल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक्सएफ वन अपॉन ए प्लस जे टू पाई एफ माइनस वन अपॉन ए माइनस जे टू पाई एफ। अगर मैं इसे सॉल्व कर लूं तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम, तो आपका सेम रहेगा जो लास्ट क्वेश्चन में था, ए स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। लेकिन न्यूमरेटर में देखिए पहले क्या आ जाएगा, ए माइनस जे टू पाई एफ देन माइनस ए माइनस जे टू पाई एफ, तो ए माइनस ए कैंसल, माइनस जे फोर पाई एफ आपका बच जाएगा न्यूमरेटर में। तो अब अगर आप देखें कंक्लूजन की तरफ अगर आप जाएं, तो आप ये तो बोल सकते हैं कि एक्स टी इज रियल, ठीक है ना। तो व्हेन एक्स टी इज रियल एंड, क्या है ये एक्स टी जो गिवन है वो इवन है, ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड है, क्या है। देखिए जब आप टी की जगह माइनस टी पुट करेंगे एक्स टी में, मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, तो एक्स ऑफ माइनस टी कितना हो जाएगा, देखिए आप यहां पर ई की पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी, देन आपका माइनस साइन ऑटोमेटिक लगा हुआ है, देन क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस ए टी u ऑफ t, क्लियर है। यहां पर अगर मैं माइनस एक्स माइनस टी करता हूं तो माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस ए टी यू टी माइनस e की पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी। आप देख सकते हैं जो माइनस एक्स माइनस टी है वो बिल्कुल ही एक्स टी के इक्वल आया है, मतलब व्हेन एक्स टी इज रियल एंड ऑड
then xf is, आप देख सकते हैं ये imaginary आया आपका, इसमें real part कोई है ही नहीं, क्योंकि numerator में सिर्फ j है, real part नहीं है, तो क्या हो जाएगा, xf is imaginary and, अब आप देखिए imaginary part जो है 4 pi f upon a square plus 4 pi square f square, वो क्या है, तो आप देख सकते हैं जब आप f की जगह minus f put करेंगे, तो numerator में f की जगह minus f put करने पर एक minus sign common आ जाएगा, but denominator में कोई change नहीं होगा, क्योंकि f square है, तो एक minus sign extra आ गया, बाकी signal आपका same रहेगा, तो क्या हो जाएगा, odd, तो when xt is real and odd, then xf is imaginary and odd, ये हमारा एक और conclusion यहाँ पर निकल कर आ गया, ये जितने भी conclusion हम कर रहे हैं ना, real and even, real and odd वाले, अगर आप Fourier series की video देखें, और Fourier series में अगर आप compare करें, इन conclusion को Fourier series के conclusion के साथ, तो आप देखेंगे exactly same है, तो आपको दो अलग-अलग conclusion याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम xf पे comment कर रहे हैं, वहाँ पे हमने cn पे comment किया था, Fourier series coefficient पे, but conclusion बिल्कुल same है आपके, ध्यान रखिएगा, now, हम लोगों ने ये conclusion भी complete कर लिया, अब अगर मैं next example यहाँ पर ले लूँ आपके लिए, xt e की पावर माइनस ए टी यू टी माइनस ई की पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी, तो आप बोलेंगे ये तो लास्ट एग्जांपल ही है, मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूं और क्यों बोल रहा हूं कि ये नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिएगा ध्यान से, हमने लास्ट एग्जांपल में ये निकाला था ई की पावर माइनस ए टी ई की पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है आपका वो है माइनस जे फोर पाई एफ अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, तो यहां पर अगर आप ध्यान से समझेंगे इस चीज को, मैं अगर यहां पर दोनों साइड ए की कोई वैल्यू रख दूं, ए कांस्टेंट है, इस बात को ध्यान से समझिएगा, ए कैन बी 0, ए कैन बी 1, ए कैन बी 2, ए कैन बी 30, ए कैन बी 100, ए कैन बी 1000, ए कैन बी एनी वैल्यू, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, ए की वैल्यू दोनों साइड 0 पुट कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, ut माइनस u ऑफ माइनस t, हमें पता है e की पावर 0 क्या होता है, 1, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस j 4 पाई f अपॉन 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर, क्लियर है अच्छे से, a की वैल्यू हमने दोनों साइड 0 पुट कर दी, अब अगर आप देखें इस टाइम डोमेन सिग्नल को ut माइनस u ऑफ माइनस t, मैं अगर इसे ड्रॉ करूं यहां पर, तो हमारा जो ut है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, ये बन गया हमारा ut, अगर मैं यहां पर u ऑफ माइनस t आपके लिए ड्रॉ कर लूं तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका, ये हमारा बन जाएगा u ऑफ माइनस t, आपको इन दोनों सिग्नल को सबट्रैक्ट करना है, तो क्या बन जाएगा आप देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो सिग्नल है पॉजिटिव साइड देखिए कितना है आपका, 1 है ut और u ऑफ माइनस t क्या है 0, तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, नेगेटिव साइड आप देखिए जो आपका ut है वो 0 है और u ऑफ माइनस t क्या है आपका 1, तो 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 1, तो नीचे की तरफ बना देंगे आप, तो बेसिकली क्या बन गया आपका सिग्नम ऑफ t, तो बेसिकली ये सब ऑपरेशन ऑलरेडी हम लोग स्टार्टिंग के वीडियोस पे स्टडी कर चुके हैं, तो आप यही कह सकते हैं कि जो ut माइनस u माइनस t है वो है सिग्नम t, तो हम लोगों ने एनालिसिस करते करते इनडायरेक्ट ही हम लोगों ने सिग्नम t का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लिया विथाउट एनी एफर्ट, आप देख सकते हैं जो हमने लास्ट एग्जांपल किया उसमें बस हम लोगों ने a टेंड्स टू 0 पुट कर दिया, तो हमारा वो बन गया सिग्नम t, और यहां पर अगर मैं थोड़ा सा कैंसिल आउट कर दूं तो आप देख सकते हैं 4 पाई एफ और 4 तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, पाई एफ भी आपके एक एक कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आपका माइनस जे है और नीचे क्या बच रहा है पाई एफ, तो माइनस जे अपॉन पाई एफ ये आपका बच जाएगा सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो यहां पर आप लिख सकते हैं सिग्नम टी फोरियर ट्रांसफॉर्म माइनस जे अपॉन पाई एफ,
जिसे आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन j पाई f, क्योंकि माइनस j का 1 अपॉन क्या हो जाएगा, प्लस j हो जाएगा, क्लियर है। तो हम लोगों ने सिग्नम t का भी फूरियर ट्रांसफॉर्म एनालाइज यहां पर कर लिया है। अच्छे से क्लियर है ये पॉइंट आपको। नाउ नेक्स्ट जो मैं आपको अब प्रॉपर्टी बताने वाला हूं, जो इन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग सीख सकते हैं और उस पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा। तो नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है आपकी ड्वेलिटी प्रॉपर्टी। तो ये ड्वेलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर उसे हम प्रूफ कर लेंगे। तो अगर आपका xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म xf है, तो ड्वेलिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप इस कैपिटल xf में f की जगह t पुट कर दें, तो कैपिटल xt का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो होता है जो स्मॉल xt था ना, उसमें आप t की जगह माइनस f पुट कर दीजिए, ये होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं, कि जब आप स्मॉल xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालें और अगर वो xf आ जाए, कैपिटल xf, तो उस f में f की जगह t पुट कर दीजिए, उस xf में f की जगह t पुट कर दीजिए, तो कैपिटल xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा स्मॉल x, जो स्मॉल xt था ना आपका, उसमें t की जगह माइनस f। तो इसे हम पहले प्रूफ कर देते हैं। देखिए यहां पर हमें पता है जो xf है वो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, इंटीग्रेशन xt e की पावर माइनस j 2 पाई एफ टी डी टी, ये हम लोगों ने लिख दिया। यहां तक कोई डाउट है, बन जाएगा आराम से। नाउ अब आपको क्या कह रहा है कि जब आप कैपिटल xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म अब निकालने के लिए जाएंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, स्मॉल x माइनस f। या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आप इस कैपिटल xf में f की जगह t पुट करेंगे तो क्या होगा। आप देखिए यहां पर f की जगह मैं t पुट कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा आपका df जो है वो dt हो जाएगा। तो आप देखिए xt, क्लियर है यहां तक, माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट लिमिट आपकी सेम रहेगी, क्योंकि f की जगह जैसा आपने t पुट किया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका xf, और ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस j 2 पाई f की जगह t, t की जगह f, तो सेम रह जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा आपका df। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बेसिकली ये आपका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला बन गया है, क्योंकि जो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है, मैं आपके लिए यहां पर लिख देता हूं, कंपैरिजन करना आपके लिए इजी रहेगा, वो होता है xt माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट xf e की पावर प्लस j 2 पाई एफ टी डी एफ होता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, जब आप xt कैलकुलेट करते हैं, जब आपको xf पता होता है, तो यहां पर e की पावर प्लस j 2 पाई एफ होता है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें, यहां पर भी आप xt ही कैलकुलेट कर रहे हैं, कैपिटल xt, और यहां पर भी स्मॉल xf है, लेकिन यहां पर अगर आप देखें e की पावर माइनस है, जबकि होना क्या चाहिए था e की पावर प्लस। इसका मतलब यहां पर f की जगह क्या है, माइनस f है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसकी मीनिंग क्या है आपका, कि जो कैपिटल xt है उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा आपका, वो हो रहा होगा x ऑफ माइनस f, ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो इस ड्वेलिटी प्रॉपर्टी में प्रूफ तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए किया है, मेन ये जो प्रॉपर्टी आपने स्टडी की है ना, ये आपको यूज करनी आनी चाहिए। तो मैं आपको एक दो एग्जांपल यहां पर देता हूं और देखते हैं हम लोग यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं इस प्रॉपर्टी को। तो ध्यान से देखिएगा, एक सिंपल सा एग्जांपल है आपके लिए। मान लीजिए आपको दिया है एक्स टी इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई टी, और आपसे यह कहा जा रहा है कि आप इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करिए। तो अगर मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने जाऊं, तो अभी तक हमने तो इंटीग्रेशन के थ्रू ही कैलकुलेट किया है, तो हम लोग यहां पर बना लेंगे इस तरह से। तो हमने सारी वैल्यू यहां पर पुट कर दी। अब अगर मैं कैलकुलेट करने के लिए जाऊंगा, तो हम यहां क्या देख रहे हैं कि आपके यहां पर दो फंक्शन आ गए, एक फंक्शन आ गया 1 बाई टी और एक फंक्शन आ गया e की पावर माइनस j 2 पाई एफ टी।
तो इनका इंटीग्रेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि जब हमें पता है जब भी आपके दो फंक्शन आते हैं आप एक को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं एक को सेकेंड, पहले आप फर्स्ट का या सेकेंड जिसको भी आप मान रहे होंगे एक का इंटीग्रेशन करते हैं और दूसरे को एज इट इज रहने देते हैं, फिर आप माइनस साइन लगाते हैं, फिर इंटीग्रेशन के अंदर एक का इंटीग्रेशन और एक का डिफरेंशिएशन करते हैं, इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। और जिसका आप डिफरेंशिएशन करते हैं वहां पर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक या दो स्टेप के बाद वो वेरिएबल आपका फिनिश हो जाए, लेकिन यहां पर आप किसी भी फंक्शन को, चाहे आप 1 बाई टी को, चाहे आप e की पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी को, किसी को भी अगर आप डिफरेंशिएशन करने जाएंगे बार बार करते रहिए, वो कभी एंड ही नहीं होंगे। 1 बाई टी का 1 बाई टी स्क्वायर 1 बाई टी क्यूब चलता चला जाएगा, e की पावर माइनस एक्स का हमें पता है बार बार e की पावर माइनस एक्स ही आएगा, तो यहां पर कोई भी फंक्शन आपका एंड होने वाला है नहीं। तो यहां पर आपका इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व कर पाना आप करके देख लीजिएगा बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ड्यूअलिटी के बारे में सोचेंगे। जब भी आपको इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व कर पाना डिफिकल्ट लगे एक बार आप ड्यूअलिटी के बारे में जरूर सोचिए। तो ड्यूअलिटी के बारे में सोचने के लिए करना क्या है, बेसिकली हमें यह करना है कि हमें टी की जगह अपने मन में एक बार एफ पुट कर लेना है। आप देखिए जो क्वेश्चन एक्स टी दिया है ना उसमें आप एक बार टी की जगह एफ पुट करिए, ऐसी सोचिए, तो क्या हो जाएगा 2/πf। और सोचिए कि क्या 2 तो कांस्टेंट है तो क्या 1/πf ऐसा कोई मिलता जुलता हम लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म देखा है क्या? अगर देखा है तो वहीं से स्टार्ट करिए, यही होती है ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी। तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो यहां पर आप लोगों ने जो सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म देखा था वो कुछ इसी पैटर्न में देखा था, 1/j πf 1/πf। जे को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, जे भी कांस्टेंट है, तो 1/πf किसका देखा था, सिग्नम टी का, तो आप वहीं से स्टार्ट करिए, जिसका देखा हो वहां से स्टार्ट करिए। कांस्टेंट को बाद में रीअरेंज हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। तो सिग्नम टी का हमने देखा है 1/j πf। तो क्या सिखाएं और ड्यूअलिटी क्या है कि जो राइट साइड वाला 1/j πf है ना उसमें एफ की जगह टी पुट करके उसे लेफ्ट साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा 1/j πt। अब जो आपका लेफ्ट साइड सिग्नम टी था ना उसमें टी की जगह माइनस एफ पुट करके राइट साइड ले जाइए, ये क्या हो जाएगा, सिग्नम ऑफ माइनस एफ। तो अब अगर आप देखेंगे यहां पर पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि सिग्नम टी जो आपने बनाया है यहां पर उसको देख के बता लीजिए कि वो इवन सिग्नल होता है कि ऑड सिग्नल होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आप देख भी सकते हैं ओरिजिन के बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो ये कौन सा सिग्नल है आपका, ऑड। तो चूंकि सिग्नम आपका ऑड सिग्नल है तो सिग्नम ऑफ माइनस एफ क्या हो जाएगा, माइनस सिग्नम एफ। तो यहां पर मैं दो काम कर रहा हूं एक साथ, पहले दोनों जगह जे से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां जे कैंसिल हो जाएगा और यहां आ जाएगा जे सिग्नम ऑफ माइनस एफ, कितना हो जाएगा, माइनस सिग्नम एफ। एक और काम कर लेते हैं इसी साइड, टू से ऊपर मल्टीप्लाइड था तो यहां पर भी आप टू से मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका माइनस टू जे सिग्नम ऑफ एफ। ये हमारा आ गया फोरियर ट्रांसफॉर्म 2/πt का। तो ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी बहुत आसान है, आपको सिर्फ ये करना है कि जब भी कोई न्यूमेरिकल आपको लगे इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप एक बार सोचिए टी की जगह एफ और देखिए क्या आपने ऐसा कोई फोरियर ट्रांसफॉर्म कभी भी स्टडी किया है क्या, और किया है तो वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। नाउ एक और एग्जांपल मैं आपको यहां पर दे, आपको एक्स टी यहां पर गिवन है 100/64 4π² t². अगर मैं बोलूं कि आप इसे इंटीग्रेशन से सॉल्व करिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म के बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व करिए, तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां पर एक्स टी तो आएगा ही आएगा, साथ में e की पावर माइनस जे 2πft से भी मल्टीप्लाई होगा, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व करना। तो आप फिर से ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी के बारे में एक बार सोच कर देखिए, हो सकता है उससे हो जाए सॉल्व। तो फिर से आप टी की जगह एफ मन में सोचिए, तो देखिए 100/64 + 4π² f²
तो क्या ऐसा फूरियर ट्रांसफॉर्म या इससे मिलता जुलता फूरियर ट्रांसफॉर्म हमने देखा है क्या? तो एक बार हम पीछे चेक कर लेते हैं, हम भूल गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखिए, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म हमने एक देखा था, ये तो बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है क्योंकि ऊपर इमेजिनरी टर्म है। एक फूरियर ट्रांसफॉर्म ये देखा था हमने, क्या ये मिलता जुलता है? ऊपर आपका रियल है, नीचे आपका रियल का स्क्वायर प्लस 4π² f², यस बिल्कुल मिलता जुलता है। अगर आप t की जगह f पुट करते हैं अपने फॉर्मूले में, अपने xt में, तो बिल्कुल है आपका मिलता जुलता। तो हम लोग इसी का ही यूज करेंगे। तो जिस जो मिलता जुलता मिल गया उसी से आप स्टार्ट कर दीजिए, e की पावर माइनस a मॉड ऑफ t। इस बात के लिए बिल्कुल मत वरी करिए अभी कि a की वैल्यू क्या होगी या कांस्टेंट क्या होगा, अभी आप जस्ट स्टार्ट करिए, बाद में कांस्टेंट आपके बड़े आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। तो अब अगर मैं यहां पर ड्वेलिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करूं, तो ये जो राइट साइड में जो मेरा फंक्शन बना है एफ का, वहां f की जगह क्या पुट करना होगा? t, और उसे लेफ्ट साइड ले आएंगे हम लोग, तो 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 4π² t² और आपका जो राइट साइड में अब क्या आ जाएगा, जो लेफ्ट साइड में आपका फंक्शन था e की पावर माइनस a मॉड ऑफ t, वहां पर अब मैं t की जगह पुट करूंगा माइनस f, तो क्या आ जाएगा? e की पावर माइनस a मॉड के अंदर माइनस f। हमें पता है जो मॉड होता है वो इवन फंक्शन होता है, तो मॉड ऑफ माइनस एफ भी क्या हो जाएगा? मॉड एफ, माइनस साइन की कोई मीनिंग नहीं बचेगी यहां पर। अब देखिए आप, ये जो आपका कांस्टेंट की अब एडजस्टमेंट है, यहां पर देखिए आपको नीचे, देखिए नीचे क्या होना चाहिए था, ए स्क्वायर, यहां पर क्या है 64, क्योंकि ऊपर तो और भी कांस्टेंट अलग से आ सकता है ना, इसलिए आप नीचे को कंपेयर करिए, ए स्क्वायर प्लस 4π² t², यहां पर भी 4π² t² है, मतलब 64a² है, मतलब a की वैल्यू क्या होगी? 8। अगर आप a की वैल्यू यहां पर 8 पुट कर दें, तो आपका काम यहां पर हो जाएगा। तो हम लोग a की वैल्यू 8 पुट कर देते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 16, नीचे आएगा 64 प्लस 4π² t² और इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो क्या हो जाएगा हम लोग का? ये हो जाएगा e की पावर माइनस 8 मॉड ऑफ f, क्लियर है? क्योंकि मॉड ऑफ माइनस f आपका मॉड ऑफ f ही हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पर ऊपर जो है आपका 100 आना चाहिए था, लेकिन आ क्या रहा है 16, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड आप पहले तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ 100 आना था, 16 नहीं आना था, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड आप 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पर ये आ जाएगा आपका, देख सकते हैं आप लोग, 100 अपॉन 16 e की पावर माइनस 8 मॉड ऑफ f, तो ये हमारा बन जाएगा, तो ये हमारा आ गया फोरियर ट्रांसफॉर्म, 100 अपॉन 16 e की पावर माइनस 8 मॉड ऑफ f। तो आप समझ पा रहे होंगे ये ड्वेलिटी प्रॉपर्टी कितनी काम की है, क्योंकि यहां पर अगर ये ड्वेलिटी प्रॉपर्टी नहीं होती तो हम कभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। और एक और बात भी है ड्वेलिटी प्रॉपर्टी के यूज के लिए, कि आपको कुछ स्टैंडर्ड फूरियर ट्रांसफॉर्म याद रखने होंगे, एग्जाम में तो आप पीछे से रिफर नहीं कर सकते ना, जैसे हमने यहां पर किया, स्लाइड को देख लिया पीछे से, एग्जाम में आपको याद होने चाहिए। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, भले ही ये फूरियर ट्रांसफॉर्म हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन स्टैंडर्ड फूरियर ट्रांसफॉर्म 8 to 9 ही होंगे, तो जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं, कोई रटने की जरूरत नहीं हमें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस से याद करिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको सब कुछ अपने आप याद हो। क्लियर है अच्छे से? नाउ एक और क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके लिए ड्वेलिटी के लिए, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपको एक्सटी गिवन है यहां पर, 1 अपॉन ए माइनस जे 2π t। तो आपको क्या करना है, आपको इसे सॉल्व करना है, ड्वेलिटी से ही डायरेक्ट सॉल्व करिए, इंटीग्रेशन से आप समझ ही गए हैं जब फंक्शन बड़ा होता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है सॉल्व करना। तो ड्वेलिटी से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग टी की जगह अपने मन में एफ पुट करेंगे और सोचेंगे, क्या 1 अपॉन a माइनस j 2π f ऐसा हमने कोई फूरियर ट्रांसफॉर्म देखा है? तो ये आई थिंक आपको याद होगा,
हम लोगों ने सेकेंड एग्जांपल ही देखा था, जहां हम लोगों ने देखा था e की पावर at u of minus t, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने देखा था 1 अपॉन a माइनस j 2 पाई f। तो यहां पर अगर मैं राइट साइड वाले को लेफ्ट में ले आऊं, f की जगह t पुट कर दूं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस j 2 पाई t। और अगर मैं अब लेफ्ट वाले को राइट में ले जाऊं और t की जगह क्या पुट कर दूं, माइनस f, तो e की पावर माइनस f u ऑफ f, तो ये हमारा आ गया 1 अपॉन a माइनस j 2 पाई t का फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो इस तरीके से हमारा ये ड्यूअलिटी टॉपिक जो है अंडरस्टैंडिंग फिनिश होती है यहां पर। वैसे तो ड्यूअलिटी के क्वेश्चन मैं आपको थ्रू आउट द फूरियर ट्रांसफॉर्म में कराते रहूंगा, और ये आपका पहली वीडियो थी फूरियर ट्रांसफॉर्म की। बहुत सारे मैंने आपको कंक्लूजन दिए हैं इस वीडियो में, बहुत सारे बेसिक्स बताए हैं। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी। अगर कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिए, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म की, कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ और कंसेप्ट स्टडी करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, बहुत लेंथी टॉपिक है, तो अभी ये बहुत सारी वीडियोज में हम यही फूरियर ट्रांसफॉर्म स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।